तो हेलो गाइस, आज हम आ पहुंचे हैं आगरा के 24 घंटे वाली चाय के पास में, जहां पर है इनकी पत्तियों में कुछ खास, क्योंकि यहां पर इनकी दुकान में शटर नहीं है। गाइस, आप देख पा रहे होंगे कि ये यहां पर इतनी बड़ी सी शॉप है जो कि 24 घंटे चलती है। मैं तो शौक हूँ कि एक बंदा 24 घंटे कैसे बैठ सकता है। गाइस, तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या खास है इनकी चाय में और ट्राई करते हैं यहाँ की चाय और आप तक पहुँचाते हैं इस चाय का स्वाद। तो गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और हम आपको बताएंगे कि यहाँ की चाय कैसी है। तो गाइस, यहाँ पे हमारा बन मस्का बनने जा रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे टोस्टर में चला गया है। तो भैया, कितनी देर में हमारा टोस्टर में से निकल आएगा बन मस्का? 2 मिनट में। क्या बात है। तो गाइस, देख सकते हैं आप यहाँ पे भाई साहब कितने पैकेट हैं बन मस्का के, पैकेट ही पैकेट है। इतने सारे बन मस्का सारे बिक जाते हैं पूरे दिन भर में। क्या बात है भाई साहब, इतने बल्क लेवल में यहाँ पे चाय और बन मस्का बनता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये देख सकते हो अमूल बटर। तो भाई एक बार बताओ, एक बार बन मस्के में एक कितना चले जाता है, एक पोर्शन में कितना चले जाता है बटर? 14 हिस्सा, मतलब 25 ग्राम बटर चले जाता है एक ही बारी में। क्या बात है भाई, 25 ग्राम बटर चले जाता है एक ही बारी में। और ये हमारा बन बिल्कुल तैयार है, ये देखिए। और ये 25 ग्राम बटर आ गया इस पर। क्या बात है भाई साहब, कितना हेवनली लग रहा है, ये देख सकते हो। प्रॉपर भैया ने स्प्रेड कर दिया अच्छी तरीके से और ऊपर से ब्रेड रख दी इसके ऊपर। क्या बात है। तो हमारे बन मस्का बिल्कुल रेडी है, ये देख सकते हो, बिल्कुल रेडी हो चुका है अपने बन मस्का। चलिए अब इसे चाय के साथ एंजॉय करते हैं। तो गाइस, ये देख सकते हो यहाँ पे पानी चला गया हमारी चाय के लिए। क्या बात है, ये देखो भाई साहब, ओए होए होए, चाय की पत्ती। क्या बात है भाई साहब, ओए होए, ये देखो भाई किस तरीके से गिर रहे हैं, प्रॉपर पत्ती गिर दी गई है इसमें। तो भैया, सबसे पहले तो ये बता दो, ये स्पेशल ऐसा है क्या चाय, मतलब जो भी आगरा का है दूर दूर से लोग आ जाते हैं इधर? अदरक इलायची। और ये आपकी 24 घंटे खुलती है, जैसे इसमें शटर नहीं है, देख सकते हैं 24 घंटे भाई चाय चलती है। अच्छा, अब नहीं है, अब कितने घंटे खुलती है? 12-1 बजे तक। फिर सुबह कितने बजे खुल जाती है? 4 बजे, मतलब 2-3 घंटे के लिए बीच में बंद होती है। अच्छा जी, 2-3 घंटे के लिए गाइस बंद रहती है, बाकी खुल जाती है वापस। क्या बात है। तो ये देख सकते हो, अब यहाँ पे भैया जी दूध डालने जा रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर हमारी चाय में। क्या बात है भाई, ओए ओए, कितनी ऊपर से धार बना के दूध डाल रहे हैं। और क्या बात है, ये देख सकते हो आप, क्या बात है, ये देख सकते हो भाई साहब, ये क्या डाल रहे हो भैया? इलायची पाउडर। क्या बात है भाई साहब, ये देख सकते हो इलायची पाउडर भी चला गया इसमें हमारा। तो ये देख सकते हो ऊपर अदरक इनने इकट्ठा कर रखा है, प्रॉपर घिसा हुआ अदरक का, ये देख सकते हो। तो ये देख सकते हो यहाँ पे हमारा अदरक जा रहा है, कितना भर के, मुट्ठी भर के अदरक डाल दिया भाई साहब हमारी चाय में। क्या बात है भाई साहब, ये देख सकते हो आप, ओए ओए ओए, ये देख सकते हो भाई साहब, ओए 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 भाई साहब, ये देखो भाई क्या बात है भाई साहब, चाय बनाने का तरीका देखिए, प्रॉपर उबाला डाल रहे हैं इसमें अच्छी तरीके से, ये देखिए आप, क्या बात है भाई साहब, ऐसी चाय आपने गाइस कहीं नहीं देखी होगी। तो गाइस, ये देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो हमारी ये थी प्रॉपर, यहाँ पे हमारी चाय का थर्मल भरा जा रहा है, स्टोर करके रख देते हैं जिससे प्रॉपर अच्छी तरीके से चाय पूरे टाइम में चलती रहे, गर्मा गर्म रहे, ये देख सकते हैं आप। क्या बात है। तो यहाँ पे हमारी कुल्हड़ वाली चाय लग रही है हमारे लिए, ये देख सकते हो, क्या बात है। और यहाँ पे हमारी चाय लगा दी गई है। तो गाइस, यहाँ पे हमारा ये बन मस्का भी आ चुका है, देख सकते हो बटर, देख सकते हो भाई साहब क्या बात है। और यहाँ पे हमारी चाय भी आ गई, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है अपना बन मस्का और ये चाय, क्या बात है। तो गाइस, अभी शाम हो चुकी है और चाय का वक्त थोड़ा सा होता है, तो मैं फटाफट भी चाय बनाकर ट्राई करती हूँ कैसा है। मजा आ गया गाइस, बस यही कहूंगी बन मस्का भी एक नंबर है और चाय तो एक नंबर है, तो रिकमेंड करना चाहूंगी आप एक बार यहाँ पर आकर चाय बन मस्का जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये 24 आवर वाली चाय कैसी लगी। और हमारे पेज को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा यूट्यूब और इंस्टा पर।